आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। इस बार रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव ऐतिहासिक होने वाला है। इसी कड़ी में सीएम आवास पर अयोध्या दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष रिकॉर्ड दिए जलाने से यह आयोजन वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपोत्सव में भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी, भरत मिलाप, श्री राम राज्याभिषेक प्रसंगों का प्रतीकात्मक चित्रण भी होगा। मुख्य समारोह में पहले पूरे अयोध्या जिले में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दिवाली पर भव्य और दिव्य दीपोत्सव समारोह का इस बार 17 लाख दिए जलाए जाएंगे। ये एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इसी के साथ मेगा लेजर शो का खास प्रदर्शन भी होने वाला है। पिछले साल अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए गए थे, तब राम की पैड़ी पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीपक जलाए गए थे। बता दें अयोध्या की नगरी में आज 17 लाख दिए जलाए जाएंगे, अयोध्या के लिए काफ़ी ऐतिहासिक होने वाला है। बता दें आज अयोध्या में सीएम योगी शामिल होंगे, जहां पे कई कार्यक्रम किए जाएंगे। बता दें कि 8 देशों से आए विदेशियों द्वारा कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। खास तरीके से अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बता दें काफी ऐतिहासिक दीपोत्सव होने वाला है। दीपावली पर इस बार 17 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। बता दें कई सुरक्षा के और कड़े इंतजाम किए गए हैं, कई कार्यक्रम किए जाएंगे जिसमें आज पीएम मोदी शामिल होंगे। बता दें कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे तैयारियों की जानकारी लेने के लिए। अयोध्या के लिए आज का दिन काफी ऐतिहासिक होने वाला है। बता दें कि 17 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा, तमाम ऐतिहासिक कार्यक्रम किए जाएंगे। मेगा लेजर शो का खास प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें कई विदेशियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी कार्यक्रम किया जाएगा। ऐतिहासिक दीपोत्सव का आगाज होगा। बता दें कि बता दें इसी के साथ मेगा लेजर शो का खास प्रदर्शन होने वाला है। बता दें कि 17 लाख दिए जलाए जाएंगे, ये एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दिवाली पर भव्य और दिव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। बता दें कि अयोध्या नगरी में दीपोत्सव का कार्यक्रम को देखते हुए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। रूट डायवर्जन किया गया है पूरे अयोध्या नगरी में। हम रुक करेंगे अपने संवाददाता विवांशु का। विवांशु, अयोध्या नगरी में तैयारियां जोरों से हैं, कितना खास रहने वाला है इस बार का दीपोत्सव? अयोध्या राममय हुआ है, और बात करें तो देश विदेश से लेकर और देश के हर एक कोने से श्रद्धालु आज राज्याभिषेक, जिसे राज्याभिषेक कार्यक्रम कहा जा रहा है, कि अयोध्या मंदिर से बनने से पहले ये राज्याभिषेक होगा। जिसमें अगर बात की जाए तो लगभग देश विदेश के कलाकार भी शिरकत करेंगे। लेजर लाइट शो का भी आयोजन किया गया है,
साथ ही आपको बता दें कि 16 अलग अलग राज्यों से कलाकार अपने कला को दिखाने के लिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं। वही अगर बात की जाए तो आज दीपोत्सव है और दीपोत्सव के कार्यक्रम में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ कई अलग अलग केंद्रीय के कैबिनेट मंत्री, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई कैबिनेट के मंत्री सम्मिलित होंगे। वही सूबे की मुख्यमंत्री कल उन्होंने अयोध्या का पूरा ब्यौरा लिया अधिकारियों से, साथ ही साथ उन्होंने पैरवी की कि आखिर किस तरह से तैयारियों को किया गया है। वही आपको बताएं कि 16 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कहा यह जा रहा है कि 1 लाख जो दिए होंगे वो गोबर से बने होंगे। वही अगर बात की जाए तो 16 अलग अलग शोभा यात्रा निकाले जाएंगे जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो राज्य हैं उसकी पहचान को दिखाएंगे। साथ ही अगर बात किया जाए तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएमओ की जो सिक्योरिटी है वो पहले पहुंच चुकी है, साथ ही साथ बात की जाए तो सुरक्षा के हर एक कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ बात की जाए तो ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी गई है। और अयोध्या में अगर देखें तो ये छठी बार दीप उत्सव हो रहा है और इसे कहीं ना कहीं जो रामलला का राज्याभिषेक के तौर पर इसे कार्यक्रम को बनाया गया है। अब इस वक्त मैं लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे पे हूँ, जहाँ से अगर देखा जाए तो ये अयोध्या को जोड़ने वाली सड़क है। यहाँ से श्रद्धालु अपनी श्रद्धा को लेकर और राज्याभिषेक में शिरकत करने इसी सड़क से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी आस्था को लेकर श्रद्धालु दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो 16 लाख दिए जलाने के लिए लगभग 23,000 वॉलंटियर रखे गए हैं, जो अगर देखा जाए तो पिछले 2 दिनों से अपने कार्यों में जुटे हैं। घाट की सफाई हुई, सफाई के बाद 16 लाख दियों को सजाया गया है और माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री देर शाम अयोध्या आएंगे, उसके बाद दीपोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उनकी मौजूदगी में दीप उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें अलग अलग लोक नृत्य या बात की जाए तो 16 अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों का प्रदर्शन होगा। वही मयूरी आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो जो लखनऊ शहर है यहाँ से कई आसपास के राज्य हैं, जिले हैं जहाँ से लोग आते हैं और यहाँ ठीक सामने अवध स्टेशन है। अवध स्टेशन से लोग अपने अयोध्या के लिए बसों को पकड़ रहे हैं। और आपको बताए कि यहाँ रेलवे स्टेशनों की बात की जाए तो दिवाली और छठ के त्योहार पर जहाँ पूर्वोत्तर भारत के जो तमाम लोग हैं वो जा रहे हैं, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा संख्या हमें अयोध्या जाने वालों की दिख रही है। बात की जाए तो लोक नृत्य हो, चाहे बात की जाए तो अयोध्या के अंदर में 51 किलो की दीपक, यानी कि 51 किलो की दीपक में 108 दिए को लगाकर एक महिला नृत्य करते हुए वो आई हुई है। साथ ही बात की जाए तो नरेंद्र मोदी के लिए एक स्पेशल चाय बनाकर वहाँ एक व्यक्ति अलग राज्य से आया है, उसका यही कहना है कि प्रधानमंत्री तक मैं चाय पिलाऊंगा और जो भी श्रद्धालु है, जो भी वॉलंटियर है उनको चाय पिलाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी का चाय फार्मूला है उस पर अयोध्या के अंदर में कार्यकर्ता और श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं। वही अगर बात की जाए तो अलग अलग तरह के झांकियां बनाई गई हैं जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वही पर्यटन विभाग की तरफ से सीता वन गमन का प्रदर्शित किया गया है, ऐसे कई सारी झांकियों को बनाया गया है। अगर प्रमुख झांकियों की बात करें मयूरी तो भगवान राम सेतु निर्माण का इसमें कहीं ना कहीं पूरा दृश्य को झांकी में दिखाया गया है। अगर दूसरी झांकी की बात करें तो पुष्पक विमान के तर्ज पे एक झांकी बनाई गई है। वही लंका कांड पे आधारित एक झांकी बनाई गई है। सभी राम मिलाप, जब श्री रामचंद्र अपने 14 वर्षों का वनवास शुरू कर रहे थे उस वक्त उन्होंने चित्रकूट में जो है सबरी के जूठे बेर खाए थे, तो उसको भी पूरी तरह से झांकी के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है। वही आपको बताए कि अगर देखा जाए तो अलग अलग झांकियां अलग अलग संदेश दे रही हैं। वही भगवान राम शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने गुरु वशिष्ठ के साथ देखे जा रहे हैं। वही अगर बात की जाए तो हर एक झांकियों में एक अलग संदेश नजर आ रहा है। वही मयूरी आपको बताए कि अगर देखा जाए तो ये त्योहार में मेगा इवेंट बनाने के लिए कई जगहों से कलाकार आए हैं, विदेशी कलाकार भी आए हैं। वही अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक विजन है कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्टेट बनाया जाए और जो प्रधानमंत्री का सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसमें उत्तर प्रदेश की सहभागिता सबसे ज्यादा हो, इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार कार्यरत है। और आपको बताएं कि कल के इवेंट में जो 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष
उत्तर प्रदेश के अंदर में निवेश करने को अपनी इच्छा जाहिर किए थे, वो सभी राष्ट्राध्यक्षों को भी निमंत्रण भेजा गया है। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो दूर दराज से अलग देशों से राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, वो भारत की संस्कृति और संस्कार को देखने और एक उसका छोटा नमूना आज वो दीपोत्सव के अंदर में देखेंगे, और कहीं ना कहीं देखे तो वो अलग देश से हैं और वो अलग संस्कृति देखेंगे, तो बाहर के देशों में भी भारत की अलग पहचान होगी। साथ ही साथ भारत को एक आस्था का देश कहा जाता है, और कहीं ना कहीं देखे तो श्री रामचंद्र की राज्याभिषेक का जो कार्यक्रम जिसे बताया जा रहा है कि दीप उत्सव के तौर पर राज्याभिषेक होगा, और इस राज्याभिषेक के बाद मंदिर का निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस कार्यक्रम में पूरी व्यवस्था अगर देखा जाए तो जो सुरक्षा कर्मी है उनके लिए कड़ा चुनौती है, क्योंकि देश विदेश के साथ देश के अलग अलग कोने से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लोग इसमें शिरकत करने आ रहे हैं। इन सभी कहीं ना कहीं चुनौती का विषय होगा, क्योंकि देखा जाए तो इतनी भीड़ को संभालना और उन्हें अलग अलग रूटों पर भेजना, क्योंकि देखा जाए तो कई सारे स्लॉट बनाए गए हैं, कई सारे कैटेगरीज बनाए गए हैं अलग अलग मेहमानों के लिए, आम दर्शक के लिए, मीडिया के लिए, तमाम लोगों के लिए, साधु संतों के लिए। वही अगर बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर जहां इंटरनेट को पूरी तरह से इंटरनेट पे भी देखा जा रहा है, साइबर टीम को भी अलर्ट किया गया है कि आप ऐसे कुछ अराजक शरारती तत्वों पे भी नजर रखें जो कोई ऐसे अराजकता न फैला सके। वहीं दक्षिण कोरिया, रूस, श्रीलंका से भी मेहमान शिरकत होंगे। वहीं अगर बात की जाए तो लगभग 16 से 17 लाख दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जो कि अब तक इतने दिए कहीं नहीं जलाए गए हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो आज के जो इवेंट है उससे विश्व भर की नजरें बनी हुई है। जी विवांशु, राम नगरी में 17 लाख दिए जलाने का टारगेट रखा गया है, तो इसके लिए अभी तक कितनी तैयारियां हो चुकी हैं? जी आपको बता दें कि इसके लिए 22,000 वॉलेंटियर को 3 दिनों से रखा गया है, जो आसपास के स्कूली बच्चे हैं, और इसके लिए विशेष एक फॉर्म निकाला गया जिसमें जो वॉलेंटियर करना चाहता था वो आवेदन करके और वहाँ दिए जलाने की जो कार्यक्रम है, साथ ही साथ 16 से 17 लाख जो दिए जलाए जाएंगे उनको सजाना, उसमें तेल डालना, उसमें दिया डालना, ये सभी कार्य पूरा 22,000 वॉलेंटियर पे रखा गया है। वही आपको बता दें कि 7 जगहों पर रामलीला का मंचन भी अयोध्या में किया जा रहा है। वही आपको बताएं कि वहाँ कृष्ण लीला का भी मंचन किया जा रहा है। ऐसे कई सारे धार्मिक कलाकार भी अपने मंचन का प्रस्तुति कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। मानो ऐसा लग रहा है कि वाकई में आज रामचंद्र का राज्याभिषेक है और दूर दूर दराज के लोग उनके राज्याभिषेक की साक्षी बनने आए हैं। वही आपको बता दें कि राज्याभिषेक के तर्ज पर ही पूरी सजावट की गई है, अयोध्या को एकदम दुल्हन की तरह से सजाया गया है। वही आपको बता दें कि राम कथा पर आधारित 22 गेट बनाए गए हैं, जो अयोध्या के अंदर में 22 गेट बनाए गए हैं आज के इवेंट को लेकर, आज के कार्यक्रम को लेकर। तो 25 जगहों पर राम के राम कथा और उस पर तमाम चीजों को प्रिंट करके गेटों को बनाया गया है, जिस जो दर्शकों में आकर्षण का केंद्र बना है। वही आपको बता दें कि 5:05 पर राम जन्मभूमि तीर्थ पर कल आज आरती की जाएगी, और उसके बाद 5:40 पर राज्याभिषेक किया जाएगा। 6:25 पर सरयू घाट पर आरती की जाएगी। वही आपको बताएं कि 6:40 पर दीप उत्सव कार्यक्रम का प्रारंभ होगा। वही 7:20 पर ग्रीन डिजिटल आतिशबाजी से पूरे दर्शकों का कहीं ना कहीं मनोरंजन का उन्हें जो करने वहां मनोरंजन उन्हें कराया जाएगा। साथ ही आपको बताएं कि लेजर लाइट शो में भारत का जो इतिहास है, साथ ही साथ श्री रामचंद्र मर्यादा श्री रामचंद्र के जीवन पर जो भी उनके दिए गए पुनीत कार्य हैं और एक अच्छा मनुष्य होने के तौर पर क्या क्या चीजें करें, इन सभी चीजों को लेजर लाइट शो के माध्यम से दिखाया जाएगा, और तस्वीर के माध्यम से जो दर्शक होंगे, जो श्रद्धालु होंगे, वो इसका लुत्फ उठाएंगे। वही आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार अयोध्या के दीप उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं, और आपको बताएं कि राम नगरी की बात की जाए तो पहली बार वो शिरकत कर रहे हैं और 6ठी बार इसका आयोजन किया जा रहा है, और आज कहीं ना कहीं अयोध्या के लिए बेहद खास दिन हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब वहां आएंगे तो 66 बड़े परियोजना का आज वहां से लोकार्पण भी करेंगे, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री का पैकेज का पिटारा है, वो दिवाली का जो गिफ्ट है उसको खोलकर अब अयोध्या वासियों के लिए एक कहीं ना कहीं दिवाली पे एक बड़ा तोहफा देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि
66 बड़े परियोजनाओं को आज वो अयोध्या वासियों को अयोध्या के लिए समर्पित करेंगे। जी मयूरी विवांशु, पीएम मोदी आज पहली बार अयोध्या पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी मयूरी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से ठीक पहले उनका सुरक्षा का दस्ता यानी कि एसपीजी और जो तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं वो वहां पहुंच जाते हैं, जगहों का पूरी तरह से जांच करते हैं। साथ ही साथ उनके आदेशों के बाद वो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है उससे पहले वो आते हैं, जांच करते हैं, जांच के बाद वो एक मैसेज देते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री का जो बेड़ा है, जो उनका काफिला है, वो अयोध्या पहुंचेगा। अगर बात की जाए तो सीआरपीएफ से लेकर यूपी पुलिस के जवान की बात की जाए, रैपिड एक्शन फोर्स या आरएएफ से लेकर आरपीएफ, तो तमाम जो सुरक्षा के जवान हैं वो वहां मौजूद रहेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के साथ खुद उनकी एसपीजी होगी और कहीं ना कहीं सुरक्षा को देखते हुए सादी वर्दी में भी पुलिस को घुमाया जाएगा, अलग अलग जगहों में बिठाया जाएगा। और बात की जाए तो ड्रोन कैमरे से पूरा जो दर्शक होंगे, जो पूरा प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा उसमें भी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही साथ इंटरनेट पर कहीं ना कहीं अराजकता ना फैले, कुछ ऐसा उन्माद ना शरारती तत्वों की ओर से फैलाया जाए, इसको लेकर साइबर टीम को भी पहले से अलर्ट किया गया है कि वो निगरानी रखे और अगर कोई अराजकता करते पाया जाता है तो उस पर कड़ा से कड़ा सरकार और कानून के विधिवत कार्रवाई भी करने की बात कही जा रही है। वही आपको बता दें मयूरी, इस इवेंट में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर देखे तो 17 लाख दिए जलाकर आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड अयोध्या का और साथ ही साथ भारत का दर्ज होने वाला है। और वही अगर बात की जाए तो इसका लाइव टेलीकास्ट टीवी चैनलों पर भी दिखाया जाएगा और कई जगहों पर स्क्रीन लगाकर और सड़कों पर भी दिखाया जाएगा। जो अयोध्या नहीं पहुंच सका है वो राज्याभिषेक यानी कि दीप उत्सव का ये कार्यक्रम एलसीडी पर लगे हुए, जो शहरों के अंदर में एडवर्टाइजमेंट के लिए एलसीडी होती है उस पर देख सकेगा। साथ ही अगर बात की जाए तो देश विदेश की अगर बात की जाए तो दिवाली है और कहीं ना कहीं आपने देखा कि पिछले साल बुर्ज खलीफा के ऊपर लेजर लाइट के द्वारा इस दीप उत्सव कार्यक्रम को दर्शाया गया था। तो माना यह जा रहा है मयूरी कि आज विदेशों में भी कहीं ना कहीं दीप उत्सव की छाप होगी और जहां देश पूरा इस त्यौहार को लेकर उत्सुक है और अपनी आस्था श्रद्धा को लेकर लोग पहुंचे हैं, जो नहीं पहुंचे हैं वो घर से इसमें शिरकत करेंगे और जो विदेशों में लोग हैं और जो भारत की संस्कृति को विदेशों में मानने वाले लोग हैं, जो अलग धर्म से हैं, अलग मजहब से हैं, मगर वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से एक और साथ ही साथ सनातन धर्म से उनका एक अलग लगाव है, उसको वो भी पूरे अपने दूर दराज के विदेशों से भी देखते हुए नजर आएंगे। जी मयूर, उत्सव काफी खास रहने वाला है, बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे, बड़े दूर दराज से लोग आएंगे, तो रूट डायवर्जन को लेकर क्या कुछ प्लान किया गया है? जी मयूरी, आपको बता दें कि अयोध्या के अगर देखे तो कई सारे गेट बनाए गए हैं, अगर बात की जाए तो 22 गेटों को सजाया गया है जी। तो अलग अलग क्षेत्रों से बात की जाए तो जिस कैटेगरी उसमें बनाई गई है, वीवीआईपी जो है उनके लिए अलग गेट बनाया गया है, आम दर्शक के लिए अलग गेट बनाया गया है, मीडिया के लिए अलग गेट बनाया गया है, श्रद्धालुओं के लिए अलग गेट बनाया गया है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि देश विदेश के साधु आकर अपने मंत्र उच्चारण के बाद वो शांति पाठ करेंगे, साथ ही साथ वो शुद्धिकरण का पाठ करेंगे। तो हजारों की संख्या में साधु संत आज श्री राम लला के राज्याभिषेक जो कार्यक्रम है उसमें पूरे मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उनके लिए अलग पंक्ति बनाई गई है। वहीं अगर बात की जाए तो रूल डाइवर्जन पूरी तरह से अलग थलग देखने को मिलेगा, क्योंकि अयोध्या में आज भारी संख्या में लोग शिरकत कर रहे हैं। इसका अंदाजा लगाना अभी कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 17 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, 22,000 वॉलंटियर हैं, हजारों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगे। तो दर्शकों की अगर बात करें तो दूर दराज इलाकों से दर्शक आए हुए हैं, तो लाखों की संख्या में आज दर्शक आ रहे हैं। तो अलग अलग रूट बनाए गए हैं, अलग अलग डाइवर्जन बनाए गए हैं, जिससे आम जनमानस को या वहां मौजूद किसी व्यक्ति को दिक्कत ना हो सके। और इस वक्त मैं पॉलिटेक्निक चौराहे पे हूं, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि आपको दिखाएं कि यहीं से जो तमाम श्रद्धालु हैं जो लखनऊ होकर गुजर रहे हैं, जो बसों के माध्यम से जा रहे हैं, वो वहीं से आ रहे हैं। अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे हैं तो यहीं से ऑटो लेकर अवध स्टेशन की तरफ से जा रहे हैं, जहां से वो अयोध्या के लिए अपने आस्था और श्रद्धा को लेकर आज दीप उत्सव में सम्मिलित होने जा रहे हैं। और बात की जाए मयूरी,
तो कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से छठी बार दीपोत्सव कार्यक्रम का रखा गया है और इसमें प्रधानमंत्री प्रथम पहली बार इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश का नाम आज पूरे देश में गूंजेगा, साथ ही साथ विदेशों में गूंजेगा और 17 लाख दीयों के साथ कहीं ना कहीं राम नगरी अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आज आगमन पर कहीं ना कहीं दीपों की रोशनी में जलते हुए नजर आएगी, जी रोशनी में दिखेगी। वही अगर बात की जाए तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना ये जाता है कि श्री रामचंद्र अपने 14 वर्षों के वनवास को खत्म कर आज के ही दिन वो अयोध्या वापस आए थे, और जब वो अयोध्या गए थे उस जब अयोध्या छोड़कर वो वनवास गए थे 14 साल, उस दौरान उनके पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी, वो स्वर्ग लोक को सिधारे थे, मगर उनके भाई कहीं ना कहीं जो उनका राज्य का कमान था उसे नहीं संभाले थे और राम जी के खड़ाऊ को रखकर 14 सालों तक पूरा अपना राजपाट संभाले थे, और आज के ही दिन श्री रामचंद्र 14 वर्षों का वनवास काट कर फिर से अयोध्या के राजा के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को संभाले थे। और माना ये जाता है हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार कि आज के ही दिन घी से, तेल से, तिल के तेल से, तमाम तरह के तरीके से लोग आतिशबाजी करते हैं, दिए जलाते हैं और श्री रामचंद्र के आगमन पर कहीं ना कहीं दिए जलाकर उनके स्वागत किए जाते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए मयूरी तो जो ये दिवाली का त्योहार है, दीप उत्सव का त्योहार है, रामचंद्र का अगर हम नाम ले रहे हैं तो अधर्म पे धर्म की जीत का ये त्योहार है। और कहीं ना कहीं जो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कहे गए शब्द हैं और उनके पुनीत कार्य हैं उससे लोगों को अपने जीवन में उसको पालन करते हुए एक बेहतर इंसान कैसे बन सके और कैसे एक देव पुरुष बन सके मनुष्य रूप से, वो हमें श्री रामचंद्र से खाते हैं। जी विवांशु, आज का दिन काफी ऐतिहासिक है, दीप उत्सव का बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? जी मैं अगर बात करूं तो लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो जहां आपने सुना कि देश विदेश और अलग अलग देशों से जो डेलीगेट्स हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं, साथ ही अगर बात की जाए तो श्रद्धालु और अनेक कैटेगरी के लोग, अलग 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 वर्ग के लोग आज जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्साह भारी मात्रा में देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी आज के दीपोत्सव में शिरकत कर रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो लोगों का उत्साह आप इसमें देख सकती है कि अयोध्या के अंदर में कहीं ना कहीं धर्मशालों में जगह नहीं है, होटल में जगह नहीं है, और आज अगर बात की जाए तो पूरी अयोध्या में बस हमें कहीं ना कहीं दिए दिखेंगे और लोग दिखेंगे। ये साफ तौर से कहीं ना कहीं लोगों का उत्साह है कि भारी मात्रा में लोग अयोध्या जा रहे हैं, दीयों को वहां 17 लाख के ऊपर दिए जलाएंगे, उसके साक्षी बनने के लिए लाखों लोग की तादाद में लोग वहां जाएंगे और जो दीप उत्सव है उसके साक्षी बनेंगे। और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की पहचान है भारत के अंदर में और विदेशों के अंदर में, जो भी भारत का जो यूपी ब्रांड का जो एक नाम बना है उसमें एक नई कड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार रचते हुए नजर आएगी। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दिवाली पर भव्य और दिव्य दीपोत्सव समारोह में इस बार 17 लाख दिए जलाए जाएंगे। ये एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। बता दें कि इसी के साथ मेगा लेजर शो का खास प्रदर्शन होने वाला है। पिछले साल अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए गए थे, तब राम जी की पैड़ी पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीपक जलाए गए थे। बता दें कि अब की एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा जिसमें 17 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
डॉक्टर एके मिश्रा मनोरोग विशेषज्ञ प्रयागराज की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ईशान्या राज। दीपावली के शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देती हूं कि आप सबके घर खुशियां आए, सुख समृद्धि और शांति आपके घर पधारे। हैप्पी दीपावली। नमस्कार, मैं डॉक्टर छया खरे, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आप सभी देशवासियों से अपील करना चाहती हूं कि दीपावली को सतर्कता एवं शुभता से मनाएं, स्वदेशी अपनाएं। हमारे देशवासियों का भी त्यौहार अच्छे से होना चाहिए। विदेशी वस्तुओं का प्रयोग ना करें। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। धन्यवाद। मैं राजेश केसरवानी, केसरवानी पेंट एंड हार्डवेयर, बालसन चौराहा, पार्वती हॉस्पिटल के बगल से, सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को दीपावली, धनतेरस, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और निवेदन है कि हमारा स्टोर यहाँ पे 27-28 साल पुराना है, और किसी भी शुभ अवसर पे या किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, सेनेटरी वेयर से रिलेटेड, पेंट से रिलेटेड, वॉलपेपर, टेक्सचर से रिलेटेड, एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9415268176। आप सभी नगरवासियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार पासवान। दीपावली और धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक चिकित्सालय चलाता हूं जो सीताराम न्यूरो केयर करके है, बालसन के पास लौदर रोड पर, जिसमें विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों और मानसिक परेशानियों का उपचार होता है। इसमें हम लोग बहुत सारी सुविधाएं जैसे काउंसलिंग वगैरह, EEG, साइकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो किसी भी नगरवासी को अगर हमें सेवा करने का मौका प्रदान करते हैं तो बहुत आभार होगा। धन्यवाद। ऋषभ टंडन, महानगर मंत्री, युवा मोर्चा, वार्ड नंबर 97 से भावी युवा पार्षद प्रत्याशी, प्रयागराज की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित सिप्रा सचदेव, प्रयागराज की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आशीष बनर्जी, दादा म्यूजिक ग्रुप की तरफ से देशवासियों और नगरवासियों को, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी शुभ अवसर पर, चाहे वो मैरिज पार्टी हो या बर्थडे पार्टी हो, किसी भी पार्टी पर हमें सेवा का मौका दीजिए। हमारा नंबर है 7905810701 और 9335111512 में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। अरविंद गुप्ता, जिला संयोजक, व्यापार प्रकोष्ठ, भाजपा श्रावस्ती की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। माता प्रसाद गुप्ता, भाजपा जिला उपाध्यक्ष, जनपद श्रावस्ती की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।